आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में सोमवार को पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। वहीं मोबाइल सेवाओं की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विवादित बयान दिया है। कठुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अब लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, साथ ही युवा लड़के और लड़कियां भी अब जी भर कर एक दूसरे से बात कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि युवा लड़के और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो एक दूसरे से जी भर के बात कर सकेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही जल्द हम इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर देंगे। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, मोबाइल सेवाओं से ज्यादा कश्मीरी लोगों की सुरक्षा अहम है। मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि बीते 2 माह के दौरान घाटी में एक गोली नहीं चली और न ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। मलिक ने इसका श्रेय कड़ी चौकसी और सुरक्षा बलों को दिया है। बता दें कि बीती 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान को हटाते हुए राज्य से आर्टिकल 370 के प्रावधान को खत्म कर दिया था। इसके बाद से किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सरकार ने घाटी में कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इनमें इंटरनेट मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध शामिल है। आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के 70 दिन बाद घाटी में पोस्टपेड मोबाइल सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। न्यूज़ डेस्क।